मूवी की स्टार्टिंग में हम एक सुपर हीरो को देखते हैं जो स्पेस में जाकर एक खराब शिप को देखता है और उस शिप में इंसान नहीं बल्कि एलियन होते हैं और यह सुपर हीरो अपने दोस्त सुपर हीरो को बताता है और तभी एलियन बाहर आकर उस पर हमला कर देते हैं जिससे घायल होकर वो नीचे गिरने लगता है, पर उसके दोस्त आकर उससे बचा लेते हैं। जिसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसके पिता टीवी पर सुपर हीरो की वही खबर देख रहे होते हैं, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और इनकी बातों से हमें यह पता चलता है कि इस लड़की का डैड भी सुपर हीरो है। जिसके बाद यह सुपर हीरो बड़े ऑफिस में जाता है जहाँ पर हमारी मुलाकात बड़े ऑफिस के हेड से होती है और ये हेड इन सबको ये बताती है कि कैसे एलियन हमारी पृथ्वी को नष्ट करने के लिए आ रहे हैं और कैसे अब तुमको मिलकर इस पृथ्वी को बचाना है। जिसके बाद हम मिसी को देखते हैं स्कूल में जहाँ पर हीरोज की टीम आकर उसे उठाकर ऑफिस में ले जाते हैं और यहाँ पर इसकी मुलाकात बाकी सुपर हीरो के बच्चों से होती है, जहाँ पर एक बच्चा तो काफी ज्यादा समझदार होता है और दूसरे बच्चे की बॉडी काफी ज्यादा लचकदार और एक बच्ची तो बोल ही नहीं सकती पर किसी का ड्राइंग बनाकर उसे रियल में कर देती है और एक बच्ची तो गाना गाकर बाकी चीजों को अपने वश में कर लेती है और इधर से उधर सामान को कर लेती है और ये बच्चा तो काफी ज्यादा स्लो रहता है और ये दो बच्चे टाइम को आगे पीछे कर सकते हैं, साथ ही ये बच्चा किसी का भी फेस कॉपी कर सकता है। फिर हम एक ताकतवर बच्चे को देखते हैं जो अपनी ताकत पर कंट्रोल नहीं कर सकता और एक छोटी बच्ची भी होती है जो पानी से हथियार बना सकती है और मिसी इन सब बच्चों को देखकर काफी ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि उसके पास कोई भी पावर नहीं होती है। जिसके बाद ये सब बच्चे टीवी में अपने माता पिता को एलियन से लड़ते हुए देखते हैं पर वो एलियन बहुत ज्यादा थे इसलिए एलियन उनके माता पिता को पकड़कर अपनी स्पेस शिप में डाल देते हैं और ये बच्चे अपने माता पिता को हारते हुए देखकर उदास हो जाते हैं। तभी वहाँ के प्रेसिडेंट बताते हैं कि एलियन ने हमको धमकी दी है, अगर हमने उनके खिलाफ कोई चालाकी रची तो वो हमारी धरती पर कब्जा कर लेंगे। और तभी हेड बच्चों को कहती है कि तुम सब लोग यहाँ से बाहर मत निकलना, बाहर खतरा है, तुम सब यहीं पर सेफ हो। पर मिसी ड्राइंग बनाने वाली बच्ची की ड्राइंग दिखाकर कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि एलियन हम पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि वो तस्वीर आने वाले समय को दिखा रही थी। ये प्लान के मुताबिक बच्चे शोर कर गार्ड्स को अंदर बुला लेते हैं और एक बच्ची गार्ड्स को पकड़कर गिराकर दूर फेंक देती है और फ्लेक्सिबल बॉय उनके गार्ड्स को निकाल लेता है, पर वो गार्ड्स किसी तरह से अलार्म बजा देते हैं जिससे सारे गेट्स बंद हो जाते हैं और तभी वहां पर एलियन आ जाते हैं और शक्ति वाले बच्चे को उठाकर ले जाते हैं। पर इसी बीच मिसी टाइम पीछे करने वाली बच्ची को कहकर टाइम पीछे कराकर उस बच्चे को ले आती है। अब बच्चे गार्ड्स को बांधकर एलियन आने से पहले वहां से भाग जाते हैं, पर मिसी भागते समय हेड से टकरा जाती है और हेड वहां के सारे गेट्स बंद करा देती है और अब गार्ड्स बच्चों को भी घेर लेते हैं। तभी मिसी गाना गाने वाली बच्ची को कहती है और गाना गाने वाली बच्ची गाना गाकर इन गार्ड्स को सीढ़ी की लाइन में लगाकर ऊपर वाले दरवाजे से भाग जाते हैं और ऊपर आती ये बच्चे एक बस में बैठ जाते हैं पर वहां भी गार्ड्स आ जाते हैं, पर गाना गाने वाले बच्चे इस बस को उड़ा देती है और फ्लेक्सिबल बॉय उस बस को आगे बढ़ाते हुए एक जगह पर आ जाते हैं जहां पर वो उन गार्ड्स से बच सकते हैं। और यहां आते ही उनको मिसी की दादी मिलती है। मिसी की दादी उन सबसे कहती है कि तुम सब सुपर हीरो के बच्चे हो और तुम सबको मिलकर अब अपने पेरेंट्स को बचाना है और दादी इन सबका लीडर मिसी को बनाते हुए ग्राउंड में इनकी प्रैक्टिस कराती है। इधर प्रेसिडेंट सुपर हीरो को बता देते हैं कि तुम्हारे बच्चे बड़े ऑफिस से भाग गए हैं और यह बात सुनकर सब हीरो परेशान हो जाते हैं और इधर बड़े ऑफिस के लोग इनको पकड़ने के लिए आ जाते हैं, पर दादी उन्हें एक सेफ जगह पर पहुंचा देती है पर वो एलियन दादी को ही पकड़ लेते हैं। और इधर मिसी एक प्लान बनाती है, प्लान ये था कि एलियन की स्पेस शिप में बैठकर हम अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए जाएंगे और प्लान के मुताबिक ये सब बच्चे स्पेस शिप में बैठ जाते हैं पर इनका सोलो बच्चा तो पीछे ही रह जाता है। और मुसीबत की बात तो ये है एलियन ने अब इनको देख लिया है पर फ्लेक्सिबल बॉय अपने हाथ को लंबा कर उस बच्चे को अपनी स्पेस शिप में ले आता है और ये बच्चे स्पेस शिप को बंद कर वहां से चले जाते हैं और इनके पास दादी की दी गई एक चिप होती है जिसके जरिए ये अपने माता पिता के पास पहुंच जाएंगे, पर वो एलियन शिप को तोड़कर उन बच्चों पर हमला कर देते हैं पर गाना गाने वाले बच्चे उस एलियन को रोककर आगे बढ़ जाते हैं। और यहां आते ही इन बच्चों को एक पिरामिड दिखता है, वहां पर प्रेसिडेंट और बाकी लोग भी होते हैं और प्रेसिडेंट एक साथी से कहते हैं कि ये पिरामिड 5 घंटे बाद धरती पर उतरकर धरती को खत्म कर देगा। तभी बच्चे वहां पर पहुंच जाते हैं और हेड इनकी तारीफ करते हुए कहती है कि तुम बहुत बहादुर बच्चे हो, तुम्हारी वजह से तुम्हारे पेरेंट्स एलियन तक पहुंच पाए। और पर ड्राइंग बनाने वाली बच्ची मिसी से कहती है कि इस हेड पर विश्वास ना करो, ये एक एलियन है। तभी वहां पर प्रेसिडेंट भी आ जाता है और ये सब लोग अपने असली रूप में आकर इन बच्चों को एक रूम में डाल देते हैं। तभी मिसी को एक आइडिया आता है, मिसी सब बच्चों को रुलाकर उनके आंसुओं को इकट्ठा कर पानी कंट्रोल करने वाली बच्ची से एक चाबी बनाकर वहां से निकल जाती है। तभी पावरफुल बच्चा और हमशक्ल बच्चा दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं,
वो दोनों लड़ रहे होते हैं तभी हेड उनको लड़ते हुए देख लेती है और गार्ड्स को उन्हें पकड़ने के लिए भेज देती है। पर गार्ड्स उस पावरफुल बच्चे के अलावा उस हमशक्ल बच्चों को पकड़ लेता है और गार्ड्स बाकी बच्चों को भी पकड़ने आते हैं, पर बाकी बच्चे अपनी शक्तियों से उनसे लड़ने लगते हैं। पर गार्ड्स एलियन बनकर उनको हथकड़ी से बांध लेते हैं और इधर हेड को ये पता चल जाता है कि ये पावरफुल बच्चा नहीं है। और तभी टाइम पीछे करने वाले बच्चे टाइम को पीछे कर देते हैं, तभी लचकदार लड़का उनके हाथ को बांध देता है और इन सब बच्चों की बहादुरी देखकर इनके माता पिता अपने बच्चों पर प्राउड फील करते हैं। अब बच्चे उस पिरामिड के पास पहुंचते हैं पर उस पिरामिड के ऊपर एक कवच होता है। तभी ड्राइंग बनाने वाली बच्ची कहती है कि ये कवच तो मैंने ही बनाया है, जिस पर मिसे कहती है कि ये तुमने कवच क्यों बनाया। और उधर हेड को ये पता चल जाता है कि उसके सामने जो बच्चा बैठा है वो पावरफुल बच्चा नहीं बल्कि हम सकल बच्चा है। वो उस बच्चे का फेस बनाकर इधर बैठ गया है। तभी हेड अपने गार्ड्स को उस पावरफुल बच्चों के पास भेजती है पर पावरफुल बच्चा कंट्रोल रूम में जाकर सब कुछ ठीक करने लगता है। और इधर मिसी उस लड़की से कहती है कि हमें पहले ही पता था कि तुम इंसान नहीं एलियन हो। तभी वो लड़की एलियन के रूप में आ जाती है और इधर पावरफुल बच्चा उस पिरामिड से कवच को हटा देता है। तभी वो बच्ची ड्रैगन की ड्राइंग बनाकर उसे बाहर ले आती है और उनसे लड़वाने लगती है। और यहीं पर इन बच्चों के ब्लॉकबस्टर सीन स्टार्ट हो जाते हैं। मिसी सब बच्चों से कहकर इन एलियन से लड़वाने की कोशिश करती है और इधर पावरफुल बच्चा इन सबको कैद कर लेता है। और मिसी ने इस पानी कंट्रोल करने वाले बच्चे को हथियार बनाने का काम दिया है जिससे वो एलियन को मारती है। पर तभी वहाँ पर पानी खत्म हो जाता है जिसकी वजह से वो बच्ची और हथियार नहीं बना सकती। तभी व्हील चेयर वाला बच्चा उसे बताता है कि ये पहाड़ असल में पानी से बना है, तुम इसको इस्तेमाल करके हथियार बना लो। और वो बच्ची उससे एक बहुत बड़ी शार्क बनाती है जिस पर बैठकर वो एलियन को खा जाती है। पर वो बच्ची बहुत ज्यादा एलियन बनाने लगती है। पर तभी लचकदार बच्चा अपने हाथ को लंबा कर उस पर मिसी चढ़ जाती है और उस पर एलियन भी आने लगता है। पर लचकदार बच्चा अपने हाथ को हटा देता है जिसकी वजह से वो सब गिरने लगता है। पर लचकदार बंदा उस मिसी को उठा लेता है जिसकी वजह से मिसी तो बच जाती है पर बाकी सारे एलियन मारे जाते हैं। जिसके बाद पावरफुल बच्चा उस कंट्रोल रिमोट को उस पिरामिड में डाल देता है। जब भी वहां पर उन बच्चों के माता पिता आ जाते हैं तभी मिसी ये समझती है कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। इतने में ही वहां पर सभी लोग आ जाते हैं और यहां पर ये राज खोलता है कि ये सब हमारा ही प्लान था तुम लोगों को ट्रेन करने के लिए, जब हमारी पृथ्वी पर संकट आएगा तो तुम इसे बड़ी अच्छी से संभाल लोगे। और ये बच्चे इन सब से काफी कुछ सीखते हैं और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है।